मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा शहर में 3 दिन सभी तरह की दुकानें बंद रहेंगी, ऐसी अफवाह पूरे शहर में थी कि 3 दिन कुछ नहीं मिलेगा, जिसको लेकर लोग काफ़ी परेशान थे। मगर हम आपको बता दें कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें। सिर्फ मुंब्रा में सब्जी मार्केट बंद करने का फैसला लिया गया है। मुंब्रा मार्केट, राजीव गांधी मार्केट या फिर दरगाह गली में जो सब्जी मार्केट लगती थी, कल से ये सब्जी मार्केट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसकी जानकारी टीएमसी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीएमसी के अधिकारी, मुंब्रा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त महेश आहिर, मनीष जोशी, अश्विन राउत, धनंजय गोसावी, जितेंद्र सावले मौजूद थे। टीएमसी की तरफ से बताया गया है कि मार्केट बंद करने का फैसला इसलिए लिया गया है कि लोग सोशल डिस्टेंस नहीं रखते थे। सब्जी मार्केट में इतनी भीड़ हो रही थी कि अगर कोई भी एक संक्रमित व्यक्ति इस भीड़ में पहुंच गया तो कई लोग इस भयानक कोरोना की चपेट में आ जाएंगे। इसके अलावा जो हॉकर्स नहीं है, वो लोग भी सब्जियां इस मार्केट में लगाकर बेच रहे हैं और ये लोग काफ़ी महंगे दामों में बेचते हैं। एहतियात के तौर पर सोशल डिस्टेंस बनाना बेहद ज़रूरी है, इसलिए सब्जी मार्केट कल से बंद रहेगी। मगर लोगों तक सब्जी पहुँचे, इसके लिए भी टीएमसी ने उपाय निकाला है। मुंब्रा कौसा के ऐसे कई इलाके हैं, लगभग 55 जगहों पर छोटे छोटे सब्जी मार्केट लगाई जाएगी। हम आपको उन जगहों के नाम दिखा रहे हैं। देखिए, टीएमसी के तरफ से जारी किया गया ये लेटर है, जहां जहां ये छोटे छोटे सब्जी मार्केट लगेंगे उनके नाम यहां पर बताए गए हैं। इसके अलावा सब्जी वाले सब्जियों का एक पैकेट बनाकर होम डिलीवरी भी करेंगे। कोरोना वायरस भारत में तेज़ी से फैल रहा है और एहतियात के तौर पर लोग खुद एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। सब्जी मार्केट बंद को लेकर मुंब्रा प्रभाग समिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या जानकारी दी गई है, सुनिए। आपको पता है कि मुंब्रा प्रभाग समिति में करीब 1205 सब्जी वाले हैं, सब्जी और फल वाले हैं। बड़े छोटे अगर आप देखें तो ऐसे 10 मार्केट हैं। बड़े मार्केटों का मैं नाम लेता हूं, मित्तल, मुंब्रा मार्केट, ओएसिस, दरगाह रोड, कौसा, ये बड़े मार्केट हैं। लोगों को आदतें हो रखी, सालों साल सुबह उठे कि सब्जी लेने जाएंगे, अच्छी बात है, टहलना भी हो जाता था, फ्रेश सब्जी भी मिलती थी और मेरे ख्याल से सस्ती सब्जी भी मिल जाती थी। लेकिन वो टाइम और था और ये टाइम और है ना। ये तो इमरजेंसी का टाइम है, ये तो एक एपिडेमिक का टाइम है। अरे इस एपिडेमिक के टाइम में आप तो मॉर्निंग वॉक भी नहीं कर सकते, तो आप इस सब्जी लेने की इस एक्टिविटी को, और एक नहीं, फैमिली के 3-4 लोग आ रहे हैं सब्जी लेने के लिए, एक ही समय पे सब लोग आ रहे हैं सब्जी लेने के लिए, ये बंद होना चाहिए। और इसीलिए हमने ये सारे बड़े मार्केट हम बीच बीच में 1-2 दिन के लिए बंद कर रहे हैं। हमारे सहायक आयुक्त तो महेश शहर गोसावी साहब, इन्होंने बीच बीच में ये मार्केट बंद किया है। लेकिन अब इनका भी यही कहना है कि सर अब समय आ गया है कि ये मार्केट पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। लेकिन फिर भी प्रशासन का एक स्टैंड है कि लोगों को सब्जियां मिलनी चाहिए, लोगों ने सब्जियां खरीदनी चाहिए, लेकिन एक डिसिप्लिन से, बाय फॉलोइंग सोशल डिस्टेंस। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रशासन ने एक डिसीजन ले लिया है, ये सारे जो मार्केट है ये कल से बंद हो जाएंगे, बराबर है ना गोसावी सर? ये सारे मार्केट ये कल से बंद हो जाएंगे। हमने इन सारे मार्केट्स के लिए ऑप्शन दे रखा है, डिसेंट्रलाइज्ड हमने कर दिए सारे मार्केट्स को। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही जगह पे भीड़ ना जमा करते हुए उनके छोटे छोटे मार्केट्स हमने कर दिए। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे कौसा मार्केट है, मैडम का इलाका है गोसावी सर या इकड़े, अतः कौसा मार्केट का अगर आप उदाहरण लेंगे, कौसा मार्केट का आप उदाहरण लेंगे तो उसको हमने कहाँ कहाँ उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, वो बताइए ज़रा। अपने जो 10 मार्केट मुंब्रा के है उसमें से मेन मार्केट है अपना मुंब्रा का, उसमें से लोगों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए अल्टरनेट डेज सब्जी बेचने का ऐलान हमारे कमिश्नर साहब की तरफ से मंडे के दिन 3 बजे किया था।
तब दूसरे साहब और मैं भी साथ में था कि कैसे बिठाने का। वही सबसे पहला मार्केट अपन उठाया, जो पुराना मार्केट है, ओल्ड मार्केट मुमरा स्टेशन के पास वाला जो था, तो उनको अपन डिवाइड कर दिया कि मुमरा रेलवे से परमिशन लेके टेम्पररी बेसिस पर जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक दो सेक्शन में डिवाइड किया, खाली सब्जी वालों के लिए। उधर 455 टोटल हॉकर्स थे उधर टोटल, उसमें से 172 हॉकर्स को अपन एडजस्ट किया सब्जी वाले को खाली। मगर उधर भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन्स नहीं हो रहा था, दो दिन का एक्सप्रेस आ गया अपने, बहुत एक साइड से लाइन लगाया, 10-10 लोगों को अंदर छोड़ा। मगर भाई लोग क्या करती थी, आधा घंटा तो उधर सब्जी चुनके लेती थी, तो वो वेटिंग लिस्ट बहुत बढ़ रही थी। ये बात हमारे कमिश्नर साहब के ध्यान में हमने दी, साहब फिर साहब आए थे परसों के दिन, आए थे देखने के लिए तो कैसा चल रहा है मुमरा का मार्केट। तो उन्होंने बोला कि इनको डोर टू डोर के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दो ताकि इधर नहीं आएंगे। तो वो एक दिन में तो मुमरा का आदत बदलने वाला नहीं है, मैं अभी 10-15 साल से मैं काम कर रहा हूँ मालूम है। तो उनमें से रेते बंदर को आपको 15 भेज दिए, पाड़ा नंबर 1, 2, 3, 4, और कई जीवन बाग में भेज दिए, कई मुमरा देवी में भेज दिए, और कई दत्तवाड़ी में 1-3 लोग आ गए थे। तो का वो मार्केट स्कैटर्ड करेंगे तो पब्लिक एक जगह नहीं होने के बाद डिसेंट्रलाइज हो जाएगी और हाउस टू हाउस डोर मिलेगा। और वो लोगों का पुलिस के साथ में ये करने के लिए हाउस टू हाउस डोर और थैली में बांध के जो आइटम इमरजेंसी है वो 5-5, 6-6 सब्जी है इकट्ठा करके वो मार्केट को सब्जी वाला ही देने वाला है। वो मार्केट के यूनियन जो से पटन करता है, नासिर करता है, इशू करता है, उन लोगों ने तैयारी चालू कर दी कि हम पैकेज ही लोगों के घर पे दे जाएंगे, होम डिलीवरी करेंगे। ऐसा फाइनल किया है, सवेरे बात होगी और वो पैकेट लाने के लिए वो करके उनका चल रहा है। तो अपन सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए पब्लिक को बाहर ही नहीं निकलने देने के, तो कम हो जाएगा ऐसा अपना उधर के मार्केट का होगा। मुमरा के मार्केट जो 10 मार्केट है वो जो डिसेंट्रलाइज किए उनके कुछ नाम मैं आपको बताता हूँ। घास वाला कंपाउंड है, कौसा तालाब, बीएसपी रोड है, सानिया हॉल, हमीद डोंगरे प्लॉट, नाडकर कॉम्प्लेक्स, सिद्दीकी बाग, फ्यूचर पैलेस, अमर कॉल पैलेस, दौलत नगर, डोंगरे नगर, वफा कॉम्प्लेक्स, तनवर नगर, परेरा स्कूल के पीछे, पटेल स्कूल के पीछे सामने MTNL कंपाउंड है, अलमास रोड है और शिवसेना शाखा और शंकर मंदिर रोड, ऐसे हमने टोटल 52 ये किए हैं, वो अभी पब्लिश को हम देंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।